इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति में कार्यरत एक कर्मचारी के मकान के जीर्णोद्धार का कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वह नेत्रहीन है। बड़गांव पंचायत समिति में कार्यरत सागर और उसकी पत्नी दोनों ही नेत्रहीन हैं और पास ही बने सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। जिस क्वार्टर में दंपति निवास करते हैं उसकी स्थिति काफी जीर्ण क्षीर्ण हो चुकी है और जीर्णोद्धार के लिए पंचायत समिति से बजट भी पास हो चुका है, लेकिन दंपति के नेत्रहीन होने की वजह से सभी अधिकारी टालम टोल ही करते नजर आते हैं। पीड़ित दंपति बार बार पंचायत समिति में शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन आराम पसंद अधिकारियों को नेत्रहीन दंपति की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। सागर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी को कई बार बोला है, लेकिन आज तक समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। यहां तक कि मकान के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व में ही बजट भी पास हो चुका है, पर धरातल पर काम में कोई अते पते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में समाज सेवी प्रकाश चंडालिया ने उदयपुर न्यूज से संपर्क करते हुए पीड़ित दंपति की कहानी बताई। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि नेत्रहीन दंपति के दो बच्चे भी हैं, जिनका पालन पोषण करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और जिस सरकारी क्वार्टर में दोनों रहते हैं उसकी स्थिति काफी खराब है। नेत्रहीन दंपति की परेशानी को सुनते ही उदयपुर न्यूज ने अधिकारियों से संपर्क किया, जिस पर अधिकारियों ने अपनी गलती मानते हुए क्वार्टर में जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया है। सोमवार को उदयपुर न्यूज की टीम के साथ कार्यालय पहुंचे सागर की पीड़ा छलक पड़ी और अधिकारियों के सामने कहने लगा, साहब ऊपर वाले ने सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं दी, इसलिए दुनिया को देख नहीं सकता, बाकी पूरा शरीर तो काम करता ही है। उदयपुर न्यूज बड़गांव पंचायत समिति के समस्त अधिकारियों से अपील करता है कि आपके छोटे से प्रयास से अंधकार में डूबे परिवार को रोशनी मिल जाएगी। पंचायत समिति बड़गांव में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। और सर, ये हमारा जो काम था पिछले साल भर पहले इसकी सेंसन निकली है और पिछले 6-7-8 महीना से पहले तो आजकल करके और 6 महीना से सर ये काम पड़ा है पेंडिंग में सर, और ये बिल्कुल हुआ नहीं है। और सर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं, बच्चे हैं छोटे, यहाँ गंदगी कितनी है। और मैं ये चाहता था सर कि ये व्यवस्थित रूप से क्वार्टर एक बार हो जाए, और क्योंकि सर ये आरडी की सेंसन जो निकली है वो आरडी से का पैसा है और दूसरा कोई कारण नहीं है सर डिले होने का इसमें। तो ये है कि सर ये जान के ही मैं मानता हूँ कि सर इसको काम को, क्योंकि पहले भी सर 2 सेंसनें निकल चुकी है इसमें और अभी 2,86,000 रुपये की बड़ी सेंसन निकली है सर। मैं ये चाहता था एक बार ये क्वार्टर व्यवस्थित हो जाए ताकि, और ये पुराना क्वार्टर है सर, तो हम ये चाहते थे कि इसका पूरे से अच्छे से रिपेयरिंग हो जाए तो ये हमें बार बार कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। पर लेकिन होना था, क्या हुआ काम सर? इसमें देखो, इंस्ट्रूमेंट में सर 5 खिड़की थी, 5 गेट थे और इस पर चाइना मोजिक था सर छत के ऊपर, और छोटे मोटे जैसे बाथरूम में टाइल वगैरह ये छोटे मोटे सर इंस्ट्रूमेंट में लिए नहीं जाते हैं। एक प्लास्टर वगैरह भी था, रिपेयरिंग में था, तो मैंने ये बोला कि सर इसको प्लास्टर को आप पूरा ही कर दो तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बार बार कुछ बोलना ही नहीं पड़े, कभी कहीं से टूट गया तो वहाँ से टूट गया वहाँ से कराओ। पर इनकी सर वही इच्छा कराना नहीं चाहते सर। और जैसे कि सर उन्होंने बोला कि छत पे हम चाइना मोजिक था सेंसन के, हम गोला करवा देंगे उस पर और खिड़कियाँ उस पर कलर मार देंगे। गेट में सर 5 में से 3 गेट लेके आए हैं, तो कुल मिला के सर इनकी वही पुरानी स्थिति है सर। बाकी हम ये चाहते हैं सर एक बार ये बात हो जाए तो मैं बार बार किसी से बोलना ना पड़े, और हम लोग बच्चों की सर पढ़ाई चल रही है, मेरी बीवी की सर ये रीट की तैयारी कर रही है और मेरी भतीजी मेरे साथ में रह रही है सहयोग के लिए, वो पिछले साल भर से उनकी पढ़ाई वगैरह, और हम लोग सभी परेशान हो रहे हैं सर। कहने का मतलब सर, मैं पिछली बार कलेक्टर साहब के पास में गया था और पिछली बार भी सर जो ये इंटर, मैंने आप लोगों की मेहरबानी थी सर ये इतना कार्य आगे बढ़ा, लेकिन फिर बाद में वही सर धीरे धीरे डिले हो गया सर। सर ये तो मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 6-7-8 महीना से हम लोग इस चीज़ को मुश्किल से सर 25 दिन का कार्य है ये, और महीना भर का ऑल ओवर मान लीजिए सर आप, लेकिन पैसा इतना है सर। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ सर कि यदि हम इसमें से 2-2.25 लाख रुपये भी इसमें इन्वेस्ट कर देंगे ना सर, तो ये क्वार्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। और ये पुरानी बिल्डिंग है सर, काफ़ी 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इनके जब भी कोई परेशानी होती है मुझे फ़ोन करते हैं,
तो मैं इनके पास आता हूँ, इनकी समस्या सुनता हूँ और आप लोगों के मार्फत न्यूज़ में दे देता हूँ। पहले मैंने इनको कलेक्टर साहब के पास पेश किया था, तो उससे थोड़ा बहुत इनके सेंशन पास हुई और काम हुआ, लेकिन जो सेंशन पास हुई उसके मुताबिक काम नहीं हुआ सर। अभी हमने आके देखा है, बहुत परेशान है, अंदर सारे सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं, पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है, पूरे घर में बाउंड्री में कांटे हो रहे हैं जगह जगह, और प्लास्टर टूटा हुआ है, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दोनों मियां बीबी को दिखता नहीं है, इसलिए इनको बहुत समस्या होती। तो मेरी प्रशासन से और इनके अधिकारियों से, जहां पर ये सर्विस करते हैं पंचायत समिति में, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इनकी बात को सुना जाए और इनका जो क्वार्टर है ये सरकारी क्वार्टर है, इनकी नौकरी ख़त्म होती है ये तो चले जाएंगे, रहना तो यही है। तो मेरा निवेदन है कि इसको रिपेयर करके और इस ब्लाइंड परिवार को थोड़ी सुविधा दी जाए। धन्यवाद। पहले कोई एजेंसी दूसरी थी, उसको हमने चेंज कर दिया, वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं ले रहे थे। अब हम है जो नई एजेंसी बड़गांव पंचायत को ही कर दिया है, और मैंने खुद ने स्वयं जाके देखा है उसके क्वार्टर की स्थिति, और पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को भी मैंने पाबंद कर दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी, सागर जाटव जो हमारा LDC है, क्वार्टर भी हमारे पंचायत समिति से लगा हुआ है, उसका काम विद इन 10-15 दिन में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। क्या-क्या काम सेंशन हुआ इनके यहाँ पर अभी? काम तो इनका प्लास्टर है, डोर्स है, ग्रिल्स है, और बाथरूम की टाइल्सें हैं, जो भी है वो मैंने एस्टीमेट में लिए, वो सारे काम करने के लिए बता दिए उनका। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बैच थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए, एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9999777672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट।